बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। फिर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन शेयर करने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट में से कितने रेशो में से क्वेश्चन आते हैं। सो एज़ यू नो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह के टेस्ट अनाउंस हो चुके हैं और 2 दिसंबर 2022 से 3-4 दिसंबर के बीच में इनके टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। सो आज की वीडियो असिस्टेंट डायरेक्टर, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किए कैंडिडेट्स ने, उनके लिए स्पेशल है। सो चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो तमाम रोल नंबर स्लिप के हवाले से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ये इन पोस्टों के टेस्ट जो हैं इन डेट्स पे शेड्यूल हैं। सो कमिंग टू और जो पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जनाब आपकी स्क्रीन पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने की हुई है, और यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले जो सिलेबस हैं वो नहीं बताते, वो मेंशन नहीं करते। जो एमओडी से लास्ट गुज़िश्ता से पेपर्स था, यानी लास्ट टाइम से पहले एनटीएस कंडक्ट करता था असिस्टेंट डायरेक्टर एमओडी के जितने भी टेस्ट हैं, तो इस बार ये अगेन दूसरी दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इधर खुद कंडक्ट कर रहा है। इनकी वेबसाइट पे आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। इनके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने उनकी यहाँ पर एनालाइज करने के बाद यहाँ पर आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 30% है, यानी 30 MCQs इंग्लिश के होंगे। टोटल मैं आपको बता दूँ कि टोटल 200 MCQs होंगे इस असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट में। इंग्लिश एनालॉजियस के 5 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के भी 5 होंगे, सेनोनियम एंटोनियम 5, इंग्लिश करेक्शन वाले 5 होंगे जिनमें टेंसेस वगैरह ग्रामर वगैरह चेक की जाएगी। हाँ, उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इसमें वोकैबुलरी का काफ़ी रोल है, तो वोकैबुलरी आप बढ़ा लें। इसके 10 यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट वर्ड या सब्सिट्यूट वर्ड वो यहाँ पर 10 सवाल उसमें से हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग का एक बड़ा पोर्शन है, 30 MCQs एनालिटिकल रीजनिंग के वाले से हैं। पाकिस्तान हिस्ट्री और जियोग्राफी, इसके भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, 30। उसके बाद नीचे चलते हैं, इस्लामिक स्टडी के 13 क्वेश्चंस हैं। जनरल नॉलेज एवरीडे साइंस का बहुत ही काफ़ी मतलब 40 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इसमें से इस पोर्शन में से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। उसके बाद 10 नंबर पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के और जनरल नॉलेज के 48 MCQs हैं, राइट। इसके बाद लास्ट इथिक्स, सोशियोलॉजी और फिलासफी के 9 MCQs दिए गए हैं। इस तरह से ये जो लास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें इस तरह से रेशो थी इन क्वेश्चन की, इन सब्जेक्ट्स में से जो क्वेश्चन उठाए गए थे उनके रेशो, जिस तरह से थी टोटल 200 क्वेश्चन थे। सो व्यूअर्स, होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। व्यूअर्स, अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इंस्पेक्टर या इसके अलावा किसी भी पोस्ट के पास पेपर चाहिए, अच्छा या टेस्ट की तैयारी के हवाले से मटीरियल चाहिए, चूँकि टाइम काफ़ी कम रह गया, 2 से 3 दिन अभी हैं आपके पास, और सिलेक्टेड मटीरियल से आप तैयारी करें, टू द पॉइंट तैयारी करें, स्मार्ट वे में तैयारी करें, और इसी वाले से infostar.com का आप विजिट, वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं और अपने लिए नोट्स या पास पेपर वगैरह मंगवा सकते हैं यहाँ से, राइट। सो infostar.com वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं रख दूँगा। अगर आपका कोई सवाल होता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो infostar यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। विश यू गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।